का फिल्म में जो जो दिखाया है वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि रियली ये सब्जेक्टिव बहुत संगीत ये है, उस पर कुछ ऐसी पिक्चर बननी चाहिए थी जो कि हालांकि लेक टंडन साहब ने जो उनकी आखिरी पेशकश है बहुत बड़ी अच्छी है और हमारे जो प्रोड्यूसर है त्रिनेत्र वाजपेयी उन्होंने ये प्रोड्यूस किया है, बहुत अच्छी फिल्म है, देखने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, जिस तरह का मैसेज दिया आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचेगा ये मैसेज? जरूर जरूर पहुंचेगा। ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें तो गवर्नमेंट भी अभी कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं और कानून भी लाया उन्होंने और ये पार्लियामेंट भी बहस हो रही है उसके, और जरूर ये अच्छी फिल्म है, ये देखने के बाद ये लोगों तक पहुँच जाएगी, समाज तक पहुँच जाएगी। स्टारकास्ट का काम कैसे लगा? स्टारकास्ट में तो कंवलजीत साहब है और नई हीरोइन जो जीविता आष्टा है उनका काम बहुत अच्छा है। जीविता आष्टा जो लगता नहीं कि उन्होंने अच्छा इतना अच्छा काम किया है और कंवलजीत साहब ने इतने ये जो उम्र में भी रोमांटिक गाने गाए। इस फिल्म की बात सबसे बड़ी अच्छी बात है इस फिल्म का म्यूज़िक। यह फिल्म में म्यूजिक ऐसा लगता है कि 60 और 70 के दशक का म्यूजिक है, शंकर जयकिशन के ज़माने के इसमें म्यूजिक है और गाने 7-8 गाने बहुत अच्छे गाने हैं। एक गाना अच्छा है जो खुद जो दिग्दर्शक लेक टंडन जी के गाने के ऊपर है जो क्वालिटी सहमी सहमी बहुत अच्छी बहुत ही अच्छा गाना है। क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी फिल्म, थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए किस तरह की फिल्म है ये? ये एक मुस्लिम सोशल फिल्म है जिसका मुद्दा है 3 तलाक, जो आजकल बहुत हॉट टॉपिक है और हर मुस्लिम महिला के लिए की कहानी है, एक मुस्लिम महिला की कहानी है ये और एक सबक है लोगों को कि तलाक नहीं देना चाहिए। 3 तलाक की रस्म जो है वो कैसे पड़ी है और कैसे हीरोइन को दुख होता है ये उस पर फिल्म है और हर नारी के लिए एक सबक है। और स्टारकास्ट का काम कैसा लगा सर, कैसा? कंवलजीत ने बहुत अच्छा रोल किया है और टाइटल रोल में जीविता भी कमाल की एक्टिंग की है और बाकी सारे कैरेक्टर्स बहुत, विनीता मलिक जी बहुत अच्छा रोल किया है विनीता मलिक ने भी और बाकी के दीगर सारे आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा रोल किया है सब ने। ओके सर, 5 में से कितना स्टार देंगे? 5 में से मैं इसको 3.5 स्टार दूंगा। थैंक यू सर। जो मुद्दा इन्होंने उठाया है क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, कितना कनेक्ट करेगी ऑडियंस इस मुद्दे से? देखिए, जब ये फिल्म बननी शुरू हुई थी तब ये मुद्दा इतना उठा नहीं था और अब देख के लोगों को लग सकता है कि भाई इतना जो हल्ला हुआ इसके बाद ये फिल्म बनाई गई है, लेकिन इसके पहले ही लेक जी ने ये सोचा था और ये जो मुद्दा है वो पहले भी था, आज भी है और इसको ख़त्म होना चाहिए जल्दी से जल्दी। ये फिल्म अगर ज़रा भी कोई मतलब काम कर सके तो इसकी सफलता होगी। लेक जी हमारे लिए बहुत पूज्य थे और बड़ा खालीपन लग रहा है कि आज वो नहीं है, आज वो होते उनके साथ बैठ के अगर हम फिल्म देख रहे होते तो और आनंद आता। भावुक लम्हा है कि उनकी आखिरी फिल्म हम देख रहे हैं, वो जहाँ भी हैं हमें देखते हुए देख रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, इस फिल्म को लोग देखें, सीधी सादी फिल्म है, आज का जो बहुत धूम धड़ाका ये वो सब नहीं है, सीधी सादी फिल्म है लेकिन जो मुद्दा है जो बात है वो समाज के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जो मुद्दा है फिल्म में कितना कनेक्ट किया एज अ वुमन आपने? मुझे अभी तक जितना मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छा जा रहा है मूवी एंड सब्जेक्ट मैटर को जिस तरह से अप्रोच किया गया है दैट इज़ वंडरफुल। मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स में जनरली क्या होता है, फिल्म में एक बोर्डम आने की चांसेस होती है कि दिस इज़ लाइक अ सोशल मैसेज काइंड ऑफ अ मूवी, लेकिन इसमें बिल्कुल वैसा नहीं है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, एक एक सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट किया गया है कि हर मोमेंट पे लग रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा, वो इंटरेस्ट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके म्यूज़िक जो है मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ म्यूज़िक डायरेक्टर, सो मुझे इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा कि अ लिटिल बिट ऑफ ओल्ड स्कूल को थोड़ा सा फिर से वापस लाने के लिए कोशिश की गई है। तो ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल मूवी, आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच दिस मूवी। व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस? जीविता इज़ वेरी नाइस, लाइक आई हैव वॉच्ड अ मूवी बिफोर ऑल्सो, शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, सो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इसमें। एंड आई थिंक कंवलजीत एंड एवरीबडी देयर नेम्स आर द ओनली देमसेल्स आर अ लेजेंड, लाइक वो लोग उनके नाम ही काफ़ी होते हैं ये जानने के लिए कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सो आई थिंक द कास्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी अप्रोप्रिएट इन दिस मूवी। ओवरऑल मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि मैं बोल सकूँ कि दिस हैज़ टू बी बेटर, इट्स अ वंडरफुल थिंग। आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स फॉर द फिल्म? 5, I'll give 10.
थैंक यू। फिल्म है और सभी को देखनी चाहिए, उनका म्यूजिक बहुत ही अच्छा है और उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अभी तो आधी स्टोरी देखी है आपने, इसके बाद जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी है और सबको अच्छी लगेगी। परफॉर्मेंस कैसे लगी? परफॉर्मेंस सभी का, एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। कमल जीत तो वैसे ही गुड गुड एक्टर है, कमल जीत की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और परमजीत सेठी की भी परफॉर्मेंस देखिए आप, और इसके आगे जो आधी फिल्म है वो आधी और अच्छी है। पाँच में से कितना स्टार देंगे? हाँ जी, पाँच में से कितना स्टार देंगे? पाँच में से पाँच ही स्टार दे दूंगा मैं, बहुत ही अच्छी फिल्म है। थैंक यू सर। अभी तक तो मुझे बहुत अच्छी लगी है और ख़ास करके म्यूज़िक बहुत अच्छा है पिक्चर का। म्यूज़िक पुराने दिनों की याद दिलाता है, जब अपने मेलोडियस म्यूज़िक हुआ करता था, आज के ज़माने में ऐसा म्यूज़िक नहीं आता है और ये म्यूज़िक ऐसा है जिसको हम हमेशा याद रख सकते हैं आखिर तक। जहाँ तक पिक्चर के कंटेंट का सवाल है, कंटेंट में अभी तक तो जितना आया है वो बहुत अच्छा है, इसके आगे देखते हैं कि पिक्चर किस तरीके से आगे मोड़ लेती है। परफॉर्मेंस क्या कहना चाहेंगे? परफॉर्मेंस में जीविधा हीरोइन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और कवलजीत सिंह का रेस्ट्रेंट परफॉर्मेंस, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस। पाँच में से कितना स्टार देंगे फिल्म? पाँच में से मैं 4.5 दे सकता हूँ। जिसने भी फिल्म देखी है क्या कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं? अभी तक का यही रिस्पॉन्स है कि इसका कॉन्टेंट बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, वुमेंस एम्पावर पर है ये फिल्म, तो ऑब्वियसली सब लोग इसको प्यार कर रहे हैं, प्यार मिल रहा है और इसे देखकर हम सब लोग पूरी टीम बहुत ही खुश है, वी आर वेरी हैप्पी। थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए, 3 तलाक के ऊपर है फिल्म और कितना ऑडियंस कनेक्ट करेगी इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि अब सभी लोग चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली, तलाक तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी ये रद्द कर दिया गया है, लेकिन बस हम सब लोग कानून का आंसर का वेट कर रहे हैं कि इसके ऊपर लॉ बनाया जाए, कुछ किया जाए। तो तलाक तो अच्छा नहीं है और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो तलाक देता है उसे नहीं पता होता कि उस लेडी को कितना सफ़र करना पड़ता है, कितना प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तो तलाक दे देते हैं। तो मेरा यही कहना है, रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो बना कर रखो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके बिना भी लाइफ कुछ नहीं है। बस यही कहना चाहूँगी। आप क्या सोचती हैं इस फिल्म के बारे में और कितना कनेक्ट किया है? एक्चुअली ये राइट टाइम पे ये मूवी आई हुई है, क्योंकि ये बहुत अभी हॉट सब्जेक्ट है, तो ये सब महिलाओं को क्लिक होगा ये थॉट। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसे लगे? अभी तो आधी मूवी देख रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी है और आगे भी अच्छी होगी। तलाक के ऊपर अच्छे से उन्होंने एक सब्जेक्ट ये किया है और बहुत दिनों के बाद मिल रही है ऐसे एक फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। मैम आप बताइए कैसे लगी आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब 8 मार्च इज वुमेंस डे, उसके पहले ये प्रीमियम हो रहा है, हमें बहुत खुशी है और सबका एक्टिंग इवन म्यूजिक इज म्यूजिक बहुत ही सुंदर है, गाने भी बहुत अच्छे हैं, स्टोरी इज टचिंग, मतलब कनेक्ट रहते हैं हम लोग। लाइक पाँच में से कितना स्टार देंगे फिल्म को आप? पाँच में से पाँच। यस, और म्यूजिक बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है म्यूजिक। एज ए महिला कितना कनेक्ट किया और ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी? ऑडियंस को तो पसंद तो आनी चाहिए, हमें तो बहुत अच्छी लग रही है। अभी थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि आगे क्या होने वाला है, पर बहुत सुंदर है पिक्चर, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया, म्यूजिक सबसे ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। कहना चाहेंगे म्यूजिक को इतना प्यार मिल रहा है, सब लोग म्यूजिक की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम शैलेंद्र भारती है और मैंने त्रिनेत्र वाजपेयी जी के लिए देवेंद्र जी के अरेंजमेंट में मैंने ये गाना गाया है। जो कव्वाली आने वाली है वो आप मेरी आवाज़ में सुनेंगे और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे विषय के ऊपर इन्होंने ये फिल्म बनाई है और इस फिल्म की पटकथा के साथ में, संवाद के साथ में, डायरेक्शन के साथ में बहुत सुंदर तरीके से न्याय सभी कलाकारों ने किया है। खास करके दिग्दर्शन बहुत सुंदर है, पटकथा को बहुत सुंदर लिखा गया है और संगीत के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब इस संगीत को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पुराने दिनों में फिर लौट आए हैं। लेख जी के इस काम को मैं बिल्कुल बधाई तो देता हूं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि दुनिया इसे बहुत याद रखेगी, ऐसे सुंदर विषय को इन्होंने उठाया है जो आज की डिमांड, आज के वक्त की ज़रूरत है। मेरी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। फिल्म सर एक एक करके बताइए सर, आप पहले बताइए कैसे लगे?
मतलब हमने नहीं सोचा था कि ये सब्जेक्ट के ऊपर इतनी ड्रामेटिक इतनी अच्छी फिल्म बन पाएगी, पर अब तक जो भी देखा वंडरफुल। और एक मतलब जिन लोगों ने बनाई है, जब हमें वाजपेयी साहब है, इनका जो मतलब तजुर्बा है वह हर फील्ड में बेहतर है, और ये उन्होंने यहाँ दिखाया। सर आप क्या कहेंगे? मैं अक्सर नई फिल्में देखता नहीं हूँ, लेकिन इस फिल्म को अगर नई फिल्म बोली जाए तो ये आज से कम 20 साल पुरानी यादें मेरे को ताज़ा कर दी। जिसका जिस तरह से संगीत दिया गया और जिस तरह से इतनी बेहतर तरीके से उस विषय के बारे में बोला गया है, तो मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है, क्योंकि आजकल तो ऐसी पिक्चर मुझे देखने को नहीं मिलती। और ये एक नई तरह की पिक्चर है, और जो इसका मेन एम है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी हॉट टॉपिक है, और ये पिक्चर मैं सोचता हूँ सब लोग पसंद करेंगे, इसका म्यूज़िक पसंद करेंगे, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के तरफ जो ध्यान रख के इस पिक्चर को बनाई गई है वो मकसद पूरा होगा। थैंक यू। इतना प्यार मिल रहा है सबको, इतनी फिल्म पसंद आ रही है, कितना खुश है आप रिस्पॉन्स? मैं बहुत खुश हूँ, ईमानदारी से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लोग भी देख रहे हैं अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक मुद्दा है, उठाने की कोशिश की गई है, और उम्मीद है कि फिल्म चलेगी। फिल्म कल रिलीज़ होने वाली है, ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे जिसने अब तक फिल्म नहीं देखी? मैं मेरी तरफ से और मेरे गुरु स्वर्गीय लेख टंडन जी की तरफ से, और मैं हमारी सारी टीम की तरफ से पूरे दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छी फिल्म है, और सामाजिक एक ऐसी बुराई है एक समाज पर्टिकुलर में, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई गई है, साथ में एंटरटेनमेंट भी है, फिल्म देखने लायक है। प्लीज़ आइए और हमें अप्रिशिएट कीजिए, ताकि इसी तरह के समाज में जो और भी मुद्दे हैं, जो बुराइयां हैं, जो देश के लिए थोड़ी सी गलत चीज़ें हैं, ये इनको ख़त्म होना चाहिए। ये आवाज़ें हम उठाते रहेंगे भविष्य में भी। हमारी फिल्म को अप्रिशिएट कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्स मिल रहा है फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, और कितने खुश हैं इस रिस्पॉन्स को लेकर? हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा है। सर, जिन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है उनको थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताना चाहे तो थोड़ा सा बताइए सर फिल्म के बारे में, कि क्या कुछ होने वाला है, लोगों को क्या देखने मिलने वाला है? अब होने वाला बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए। देखिए, ये पिक्चर तीन तलाक के ऊपर है, तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं लेख टंडन जी, उन्होंने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि औरत के अधिकार वही हैं जो मर्द के अधिकार हैं, और औरत को अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तीन तलाक का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है ना, उसके लिए लेख टंडन जी ने बोला है कि औरत को हर उसमें आगे बढ़ के अपने हक को लेना चाहिए, क्योंकि धर्म हमारा कोई इजाज़त नहीं देता कि औरत की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि ये हमारे मॉडर्न सोसाइटी में कम लेकिन पिछड़े वर्ग में ज़्यादा होता है। और वो बेचारी जिनको व्हाट्सएप से, जिनको लेटर से तलाक 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 की धमकियां मिल जाती हैं, तो अगर नौकरी पेशा नहीं है तो वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? तो उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, ये मुद्दा उठाया लेख जी ने। सर कल फाइनली फिल्म आई है, कल रिलीज हो रही थी। सर कल फिल्म रिलीज होने वाली है जी, कितने एक्साइटेड हैं, कितने नर्वस हैं फिल्म को लेकर, कैसी जर्नी रही है फिल्म की जब से आपने बनाना शुरू किया? नहीं, नर्वस होना मेरी फितरत नहीं है, मैंने 45 फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, हर फैक्ट्री एक फिल्मी थी। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, ये हमारा दूसरी कंपनी जिसकी ये बनक देखती है। लेख टंडन साहब ने बड़ा बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है उसके, और ये उन्होंने देखे जो बनाई है पिक्चर उस चीज़ पर बनाई है जो उन्होंने होते हुए अपनी जिंदगी में देखी है। ये सच्ची कहानी, सच्ची कहानी। चेको पराज और पाकिस्तान में वहाँ वो रहते थे, उनके नेबरहुड में ये हुआ था। फिर उन्होंने वो बताया रेखी चरण शर्मा जी को, उन्होंने इसके ऊपर एक नावल लिखी, लेकिन प्रोफेसर रामरपाली झुमकिया आसमान जैसे फिल्म
बनाते बनाते 15 फिल्में बनाई, देखते एक कामयाब फिल्में और महान फिल्में, अगर तुम ना होते, दुल्हन भाई जो किया मैं वगैरह, तो ये कहीं खो गया था सब। फिर उनको याद आया जब वो 25 सीरियल 15 फिल्म, ये तो रह गया मुझे बनाना है, तो उनसे बात की, उनसे बात की, हम लोगों ने कहा बनाइए सर। तो इसमें देखिए दो चीज़ें, एक धार्मिक पहलू है, एक इमोशनल पहलू है। इमोशनल पहलू औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से है, धार्मिक पहलू शरीयत और कुरान शरीफ के मुताबिक है। कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है कि 3 तलाक होना चाहिए, उसमें एक तरीका दिया गया है कि अगर रिकनसाइलेबल डिफरेंसेस हों तो उनको कैसे टैकल किया जाए, औरत मत का किसको क्या करना चाहिए। उसमें कहीं नहीं लिखा कि 3 बार कह दीजिए तलाक हो जाए, पहली चीज़ ये। उसके बाद शरीयत है, शरीयत में तरीका बताया गया है कि 6 महीने तक आप कुछ करिए, 6 महीने की पहला तलाक दीजिए और 2 ही तलाक दीजिए, 3 तलाक है ही नहीं, पहला तलाक दीजिए, उसके बाद 3 महीने तक आपको सुलह सफाई का वक्त दिया जाएगा, उसके बाद बिस्तर अलग किए जाएंगे, उसके बाद भी ना बना 6 महीने के बाद दूसरा तलाक दे सकते हैं, वो भी म्यूचुअल कंसेंट पे, दोनों की रजामंदी से। अब धार्मिक रोटियाँ, धार्मिक लोग जो हैं सेल्फ अपॉइंटेड एजेंट्स ऑफ गॉड, उन्होंने ऐसा किया कि साहब अपने हिसाब से उसको शक्ल दे दी। आजकल ईमेल है, व्हाट्सएप है और फेस टाइम है और कोई भी तरीका है, ट्विटर है, आप तलाक दे सकते रहे, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और यही इसमें कहा गया है कि इसको बंद कर देना। आदमी औरत को आपस में समझौता करके एक सुलह कर लेने, ये तरीका नहीं है कि आपने 3 बार तलाक दी, उसके ऊपर क्या बीतती है, उसके दिल से कोई पूछे कि उसके ऊपर क्या बीतती है जी। और बहुत बड़े डायरेक्टर की फिल्म है, आप देखिए आपको मजा आएगा। बहुत अच्छा संगीत है जो हमारे मियां ने दिया है, इन्होंने गाने गाए, मैंने गाना गाया है इसमें, और पुराना जमाना लोगों को फिर से याद आएगा और लोग गुनगुनाते हुए बाहर निकलेंगे। रात से पहले सरेशान